सकते प्यार। श्रीमत्पुरुं गंभीरं स्याद्वां मुग्लांचिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमुरिं ताडुं डुमुर सिद्धाडुं डुमुरिआडुं डुमुर सायाडुं अनंत अनंत परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की गेली परम पूज्य चर्याश्रोणी अध्यात्म योगी श्रमाचार्य श्री श्रीष्ठ विशुद्ध शाकर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। उर्दमान स्वामी के शासन में हम सही ब्राजते हैं तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो मित्रा सर्वण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगते के प्राणी मात को जो वस्तु तत्व का बोध दिया है उस ज्ञान की धारा को जगत में जो जीव समझ पाए वे भगवान बन गए और जिन्होंने इस तत्व को नहीं समझा श्यादबाद नए के विद्वेश को प्राप्त होकर के जो यथार्थ बोध को नहीं पा पाए ज्ञानियों जो वे संसार में एक इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय मनुष्य तक के जो ये दिखाई दे रहे हैं जीव ये बेहे जीव है जिन्होंने अरहंत की देशना को स्वीकार नहीं किया वो आज जिनको समझ में आया है जिनकी भावली अत्यंत न्यून है वे जीव इस तपती तपन के काल में भी ज्ञानियों शरीर के ताप को न देखते हुए अंदर जिनको तत्व की प्यास है वे इस मंडप में बैठे हुए हैं। ये परम सत्य है, एक शब्द भी जिनवाणी का अंदर में प्रविष्ट हो गया विश्वास मानना पता नहीं कौन से भव का संताप कब तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति से पूछना जो व्यक्ति ग्रीष्म की दोपहरी में तप रहा हो वो कहीं पानी का साधन न हो वो अचानक एक बूंद मुख में नहीं मात्र शरीर पर पड़ जाए वो जीव शांति का वेदन करता है। मुख में नहीं गया पानी मात्र एक बूंद शरीर पर पड़ा है शरीर पर पड़ा पानी जब शांति दे सकता है तो कंठ में गया पानी कितना आनंद देगा। ऐसे ज्ञानियों जिन
गृहस्थों को जिन वाणी की एक बूंद शांति देती है, उन तीर्थंकरों के गर्धर भगवंत जो द्वासांग को अंतर मुहूर्त में पाठ करते हैं, उन योगियों का आनंद क्या होगा जो श्रुत का आनंद है, जगत में कोई आनंद नहीं है। एक पल भी ऐसा मत खो देना जैसे कि आप तुम्हारे नगर में विशिष्ट कोई कार्यक्रम हो रहा हो। प्रदीप भैया, आप समय निकाल करके, बोटू भैया समय निकाल करके सोचते हो एक बार देख के तो आऊं, एक झलक देख के तो आऊं। ऐसे मित्र इस आपा धापी के काल में यदि आपको एक मिनट भी कहीं मिल रहा हो तो जिनवाणी सुन के जाना। ये मित्र ऐसा निदान भी बंद कर तो कर लेना कि मेरी अंतिम श्वास किसी के आंखों के आंसू देख के न जाए, मेरी अंतिम श्वास वीतरागी अरहंत और निर्गंत का चेहरा देख के जाए, किसी के रोने की आवाज सुन के न जाए, मेरी अंतिम श्वास जिनवाणी के शब्द सुनते सुनते जाए। अभी सुब्रत साग जी दादा ज्ञानचंद जी कह रहे थे, बोले गुरु जी, उन्होंने आके हाथ पकड़ लिया, वो कहने लगे बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए था संसार का, जितना सुख और जितना दुख मैंने देख लिया इसी भाव में, अंतिम सांस मेरी गुरु का हाथ में चली जाए, इससे बड़ा और क्या समाधि मरण होगा। ज्ञानियों, अपने घर की संपत्ति की रक्षा की बात दुनिया सोचती है, धन धरती की रक्षा की बात दुनिया सोचती है, बे लोग नरक में जाने वाले जीव हैं जो अंतिम श्वास में भी संपत्ति की चिंता करते हैं, बे जीव भगवान बनने वाले हैं जो अंतिम श्वास में अपनी मृत्यु का चिंतन करते हैं। मुझे ये नहीं सोचो, आज आस्तिक सागर जी मित्र, रूस यूक्रेन के युद्ध की खबरें दुनिया में हैं। एक क्षण को आंख बंद करके देखो, उन नन्हे बच्चों की आंखों के आंसू देखो, उन माताओं को बिलखते देखो, उन पिताओं को सशक्त देखो, जिन्हें सामने सामने आप तो समाचार सुन के दहल रहे हो, जिनके सामने सामने विवेक मिसालें डाली जा रही हो, उनके सामने मृत्यु दिखाई दे रही है, वे कैसे जी रहे हैं। ज्ञानी, चाहे तुम विश्व में कुछ भी बना के बैठ जाओ, यदि आज की तारीख में आस्तिक सागी प्रणीत सागी बेटा मेरी तरफ देखो, आज की तारीख में अब तुम ईश्वर पर दुहाइयां मत दिलाओ, आज की तारीख में कोई देवों की बातें मत करो, आज की तारीख में विश्व के सरकारों से कहो कि तुम्हारी बुद्धियां दुर्बुद्धि ना हो पाए, इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई तो मेरे मित्र एक दिन के अंदर विश्व खाक हो जाएगा। यदि ब्रजपुर में पंचगंग महोत्सव चल रहा है, ये भावना भाव कि जैसे ये विश्व में युद्धों की धमकियां चल रही है, हे प्रभु यदि हो सकता है तो संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देश से राष्ट्र से पुरुष राज्ञा करो शांति भगवान जिनेन्द्रा, विवेक मात्र संद को इस सूत्र को पढ़ा जाता है इसलिए मत पढ़ना, भाव में जाके आपको विश्वास होना चाहिए, मंत्र पढ़ने से कभी सिद्धि नहीं होती। आपको गहरा रहस्य बोल रहा हूं, मंत्र पढ़ने से सिद्धि नहीं होती है, मंत्र पढ़ने से सिद्धि नहीं होती है। सूखे आटा में मेरे मित्र किसने भूख मिटाई, सूखे आटे से किसकी भूख मिटी, प्रदीप छतरपुर विश्वास में ज्ञानी, सूखे आटे से कभी भूख नहीं मिटती है, आटे में पानी चाहिए और पानी की लोई बनने के बाद उसमें घी चाहिए तब मेरे मित्र या तो पराठा बने रोटी बने घी चाहिए, ऐसे मंत्रों के भीतर हमारी आस्था भावना का घी लगता है तब मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र के नाम पर आपको गाली सिद्ध हो सकती है, मंत्र के नाम पर गाली सिद्ध होना हो सकती है, आपको श्रद्धा होना चाहिए। गाली भी लिखोगे उसमें बीजाक्षर होगा, बिना अक्षरों के गाली भी नहीं लिखी जाती है।
आपके अंदर जोश है, आपके अंदर उमंग है, आपके अंदर तरंग है कि ये काम होके रहेगा। विश्वास मानो, आपकी भावना मेरे मित्र मंत्र के लिए सिद्ध करा देती है। यहां बैठ करके ये निर्णय करो, जितने यहां सभा में बैठे हैं, पूरे मंडप में, भरे मंडप में मैं कह रहा हूं, यानी आज से भावना ए भाव, ये मत सोचो यूक्रेन रूस का युद्ध है, तुम भगवान तीर्थंकरों के भक्त हो, उनकी दृष्टि में देश भेद नहीं होता, प्रभु की दृष्टि में संग भेद नहीं होता, प्रभु की दृष्टि में जाति पंथ भेद नहीं होता है। भगवान तीर्थंकर ने किसी जाति को उपदेश नहीं दिया, किसी देश को उपदेश नहीं दिया, भगवान तीर्थंकर ने विश्व को उपदेश दिया है, विश्व में शांति होगी तो उसमें तुमको भी शांति मिलेगी। यदि पुण्य छीण हो गया तो तुमको दुर्बुद्धि भूत नेता मिलेंगे, और पुण्य प्रबल है तो ऋषभ देव जैसे सम्राट मिलेंगे। आज कभी तुम सुनते थे भाई कि लोगों ने मूठ फेंक दिए, पद्म पुराण में आया विभीषण ने एक षड्यंत्र रचा अपने भाई के रक्षा के लिए, दशरथ और जनक के ऊपर एक तंत्र कराया, उनके ऊपर ऐसा अस्त्र फेंका कि जिससे कि उनकी दोनों की मृत्यु हो जाए। किसी जोशी ने बोल दिया, निमित्त ज्ञानी ने बोल दिया कि जनक की पुत्री दशरथ के बेटे के नियोग से रावण का विनाश होगा, तो उन्होंने सोच करके पूरे भूमि गोचरियों के पास खोज किया दशरथ कौन है और जनक कौन है, और जा करके, परंतु हर जगह बुद्धिशाली लोग होते हैं, हर जगह बुद्धिमान लोग होते हैं, रक्षा की भावना तो रक्षा होगी। जनक के सिंहासन पर, दशरथ के सिंहासन पर उन्हीं के आकार का सुंदर पुतला बिठा दिया गया, और नियत समय पर वो विद्या छोड़ी गई, लेकिन विद्या ने पुतले को नष्ट कर दिया, परंतु जनक की और दशरथ की रक्षा हुई। ज्ञानी आह तुम्हें भावना भाव, विश्व के संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नेता है, हे नाथ, इनकी बुद्धियों में सुबुद्धि प्रवेश कर जाए, यदि इनके मन मचल गए, पूरा विश्व मेरे मित्र अंगारों पर रखा हुआ है, फिर तुम क्या साम्य सागर सोचते हो, हम एक भवन बना दिए हैं, क्या प्रदीप सोचे, हमने डेरा पहाड़ी पर मकान बना लिया। मित्र कोई कुछ नहीं सोच पाओगे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग नीचे धराशाई आग होकर जल रही है। इसलिए जैसे मिसाल से भवन झुलस जाते हैं, ऐसे कसाई की मिसाल से भावना झुलस जाती है। न कोई पुत्र बचता, ना पिता बचता, ना गुरु बचता, ना शिष्य बचता है, ये तभी तक है जब तक कसाई की मिसालें नहीं दागी गई। इसलिए यहां कह रहे हैं, देह का विनाश हो, इस शरीर से हंस निकले, इसके पूर्व ज्ञानी, इसके पूर्व ज्ञानी हमने ये भी सुन के रखा है कि ऐसे भी औजार हैं, अस्त्र हैं, तो दूसरे की मिसाइल को वहीं की वहीं ठंडे कर देते हैं। उसका नाम मालूम है आपको, पुनीत सागर, उसका नाम है एंटी मिसाइल। वो एंटी मिसाइल जो होती है वो वहां की वहीं दूसरे की मिसाइल को शांत कर देती है। यही तीर्थंकर प्रभु की पुण्य वर्गणाओं की एंटी मिसाइल है। वो मुनि मुनि कैसा, वो साधु साधु कैसा, जिसमें एंटी मिसाइल न हो, दुनिया के कसाईयों को आते सामने देख करके कसाई शांत हो जाए, दिगंबर मुनि एंटी मिसाइल है। इनके पाद मूल में आकर के, इनके पाद मूल में आकर के सिंह भी शांत हो जाए, वो तुम्हारा धर्म है। उसके लिए यहां पर क्या लिख रहे आचार्य भगवंत, तीर्थंकरों की देशना, वस्तु का परमन स्वाधीन है।
वस्तु का परमन स्वाधीन है, एक क्षण को तटस्थ हो जाए। उस बच्चे को देखो अध्यक्ष जी छतरपुर मित्र, उस बच्चे को देखो जो चक्री में आग लगा रहा है, दीपावली की चक्री में बोटू भैया आग लगा रहा है। बालक तू काड़ी लगा करके दूर खड़ा हो जाएगा, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाएगा। बालक तू चक्री में काड़ी लगा करके दूर खड़ा हो जाएगा, इसके बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो कुछ करेगा चक्री करेगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, माताओं समझ में आ रहा है कुछ? एक बच्चा दीपावली के दिन चक्री में आग लगा देता, धमाके में आग लगाता है, बस तुम मात्र काड़ी लगा सकते हो, इससे बात कुछ नहीं कर सकते हो। अब चक्री अपना काम करेगी। ऐसे माताओं तुम घर में जा करके एक दूसरे कान में आग लगा सकती हो, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकती, फिर कसाई अपना काम करती है। क्या हो गया? कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि अरहत दर्शन है, ये जैन दर्शन है, ये जितनी बाहर की व्याख्या करता है उससे करोड़ गुनी भीतर की व्याख्या करता है। मेरे मित्र, बीज का वृक्ष बाहर दिखता है, अंकुर भीतर होता है। ऐसे चारित्र बाहर दिखता है, द्रव्य संयम अंकुर भीतर होता है। और कसाय के मेरे मित्र, युद्ध बाहर दिखता है, कसाय का अंकुर भीतर होता है। और मोक्ष जो है, द्रव्य मोक्ष बाहर दिखता है पर भाव मोक्ष भीतर होता है। क्या चाहिए? कहां गया अंकुर छतरपुर? बालक समझ, कसाय का अंकुर भीतर होता है और बैराग का अंकुर भीतर होता है। वो आपके अंदर भाव आए, भगवान का पंचरण कराना है, तुम्हारे अंकुर ने पूरी दिगंबर जैन समाज छतरपुर और कौन सा गांव ईशानगर खड़ा कर दिया है। बेटा जैसे इनको लेके आए हो, किसी को बुला के लाना सरल है, उनको संभाल के मीठे भावों के साथ रखना ये कठिन है। जैसे मंडप हजारों लोगों को छाया दे रहा है, बोटू भैया जैसे मंडप हजारों लोगों को छाया दे रहा है, जिनवाणी सुनवा रहा है, ऐसे हमारा जीवन इस मंडप के समान हो, हमारा एक एक वचन लाखों प्राणियों को छाया बन के आए। अब ये सोचना बंद कर दो मित्र, ये सोचना बंद कर दो आराध्य सिंधु, ये सोचना बंद कर दो मैं जैन और जैन समाज। मेरे मित्र ये सोचना प्रारंभ करो मैं विश्व और मेरे में विश्व है, क्योंकि भगवान का शासन जैन समाज का नहीं होता है, भगवान का शासन त्रैलोक्य का शासन होता है। कहां तुम ये सोचते हो कि आस्तिक सागर, प्रणीत सागर, साम्य सागर, सुब्रत सागर, समत सागर, तुम इनमें ही भेद देख रहे हो? विशुद्ध सागर तो अखंड विश्व को एक देखते हैं। सोच विशाल होगा तभी कल्याण होगा। जो सूत्र यहां रख रहे हैं, लोक अकृत्रिम है, लोक अकृत्रिम है, लोक अकृत्रिम है, अकृत्रिम लोक में जो भी तुम सोच रहे हो वो कृत्रिम है। ओ यानी लोक अकृत्रिम है, अकृत्रिम लोक में जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा सोच कृत्रिम है, वो आप अकृत्रिम हो। नहीं पकड़ में आया? नहीं पकड़ में मैं क्या बोला? लोक अकृत्रिम है, किसी परमेश्वर कृत नहीं है, किसी देव कृत नहीं है, दानव कृत नहीं है, कोई साधु महात्मा कृत नहीं है, लोक अकृत्रिम है। उस अकृत्रिम लोक में महेश पंडित जी तुम्हारा सोच कृत्रिम है, लेकिन सोच कृत्रिम होने पर भी आप अकृत्रिम ही हो। विवेक भैया इधर देख, प्रतिष्ठाचार बाद में, मेरी बात सुन। यदि विवेक पंडित जी
अच्छे से कह देना, बेटा जिस दिन ये प्रवचन समझ में आ गया, जिस दिन आज का प्रवचन तुम्हारे समझ में आ गया, आपका जीवन प्रवचन हो जाएगा। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, लोक अकृत्रिम है, इस अकृत्रिम लोक में आपका सोच कृत्रिम है, और कृत्रिम सोच को सोचने वाला जो है वो अकृत्रिम है। यदि जगत का कोई प्रोफेसर, कोई वैज्ञानिक स्वयं के अकृत्रिम पर विचार करने लग जाए, उसे विश्व शाश्वत दिखाई देगा। दादा ज्ञानचंद जी, बोटू भैया, आप मित्र हो, यदि मित्र हो तो इतना काम इनका कर देना, मेरी तरफ से कर देना, तुम दादा से इतना बोल देना, दादा मैं आपके पहले जाने लगा तो मेरे कान में नमुकार सुना देना, और यदि आप मेरे सामने जाते हो तो इनको प्रदीप के इनके बेटों की याद मत दिलाना, इनको याद दिला देना हमने आपने दोनों, आज कितनी तारीख है, आज 4 तारीख को 2022 में पांचवें महीने में ब्रजपुर में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की प्रतिष्ठा के काल में एक अपने अपने एक गुरु से सुना था कि दुनिया के कृत्रिम को भूल जाना, अपने अकृत्रिम स्वरूप को नहीं भूलना, वो अपना अकृत्रिम स्वरूप नहीं भूलेंगे, मेरी मृत्यु कभी कोमर नहीं होगी, समाधि मरण होगा। बोले क्यों, पर्याय कृत्रिम नष्ट होंगी, द्रव्य जीव द्रव्य अकृत्रिम है, इसका विनाश कभी नहीं होगा, मिलने वाले बिछड़ोंगे, मिलने वाले बिछड़ोंगे, मिलने वाले बिछड़ोंगे, लेकिन जो मिलता वो कभी नहीं बिछड़ेगा। मैं कभी बिछड़ूंगा नहीं, आप विश्वास मानिए। यदि कल गुनौर के, पन्ना के, देवेंद्र नगर के बहुत सारे श्रावक आए और कहने लगे गुरुजी, सलिया के लोग बोले माँ हमारे गांव नहीं आ रहे, गुनौर वाले रोने लगे हमारे गांव नहीं आ रहे हो, मैंने कहा ज्ञानी आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं इस विश्व से लोक से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, मैं अविनाशी हूं, बस आप मुझे खोजते रहना, देखते रहना, मैं कभी नाश होने वाला नहीं, मैं अविनाशी हूं, यहां नहीं हूंगा, सिद्ध सलाह पर मिलूंगा, लेकिन आपको सिद्ध बन के आना होगा, मत करो विकल्प। मैं इस भावना से भरा आदमी हूं कि शुभ शुभ उपयोग के विकल्प में भी अशुभ मत सोचो, फिर अशुभ सोचने के लिए तो समय कहां है। यानी अंकुरा कहां गया भाई, बेटा एक कोई दाता कम द्रव्य दे तो चेहरा नहीं बिगाड़ना, तुम ये सोचना इस खोटे कलयुग में, कली काल में, काले काल में लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये तुम मुस्कुराना बेटा, एक सिक्का कोई नहीं सबको भगवान का इंद्रनाणी बना देना, आज मुस्कुराओ, आस्तिक सागरी मुस्कुराओ, यदि एक बालक मुनिराज का कमंडल लेके चलने लग जाए, बेटा मुस्कुराओ, तुम्हें ये ऐसा काल देखने को मिल रहा है कि मुनि का कमंडल लोके लेके चल रहे हैं, वो चीन में जाके देखो मुख में बिच्छू दबाए भाग रहे लोग। सुब्रत सागर जी भाई देख, इतना बड़ा नाग, बहुत विशाल नाग, आराध्य सागरी, इस भारत भूमि को बेटा तुम हर्ष में इसकी प्रशंसा करना, चीन का एक व्यक्ति इतना बड़ा विशाल नाग को उसने उसके 50 पीस कर दिए, उबलते पानी में डालकर खोला करके वो 50 टुकड़े करके उसने तल करके वो चप चप खा गए। ओ मित्र, जाम बिच्छू घोरे ना बजते हो, जहां सांप को भी जहर, सांप से बड़े जहरीले लोग हैं, आंखें छोटी हैं पर काम बड़े दुष्कर्म है। वहां सोचो, तब तुमको सोचना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी आंखें बड़े पाप देखने को नहीं मिली हैं, ये बड़ी आंखें तुमने बड़े तीर्थंकर भगवान की अवगाहना देखने को मिली है।
पुण्यशाली जीव की आंखें बड़ी होती हैं। विश्वास रखना, शकुन शास कहता विवेक, पुण्यशाली जीव की आंखें बड़ी होती हैं, माता विशाल होता है और नास का विशाल होती है, सारा शकुन शास सारी कुंडलियां तुम्हारी नाक पर लिखी होती है। जिसको नहीं आता ज्योतिष शास्त्र टेंशन मत लो, आप तो नाक देखना सीख लो। और नाक देखते रहे बिनी के पिताजी, नाक देखते रहे तो कल्याण हो जाएगा। हर आदमी को प्रतिदिन अपनी नाक देखना चाहिए। देखो अपनी अपनी नाक देखो, सभी माता बहने नाक देखो अपनी सब। जब तक नाक दिखती रहे तब तक तुम्हारा जीवन है, और जिस दिन नाक दिखना बंद हो जाएगा तुम्हारा अंतिम दिन है। अपनी नाक देखते ना, दिन में एक बार नाक देखते रहना, और नाक देखते देखते परमात्मा का नाम लेते रहना। दादा बस आपको मैं मंत्र दे दिया, नाक देखना प्रारंभ करो। जब तक नाक दिखती रहेगी तब तक ही जीवन है। समाधि मरने के लिए नाक देखते रहना, दूसरे की नाक काटने के लिए अपनी नाक मत देखना। क्या हो गया आप सबको? नाक देख रहे हो मित्र? समाधि मरने के लिए नाक देखना, पर मत नाक देखना दूसरे की नाक काटने के लिए। समझे? ऐसे नाक देख रहे हो? लोक अकृत्रिम है, अकृत्रिम लोक में तेते कम तगदा, ओह बेशब पुग्गलम प्रोतो जीवस्य। एक एक सूत्र इस श्रमण सुत्तम नाम का ग्रंथ चल रहा है, एक एक सूत्र अत्यंत गंभीर है। ते कम गदा ते कर्म गत्वा, इसका कर्मों के रूप से पर्ण जो पुद्गल देह से देहांतर को, देह से देहांतर को प्राप्त हो रहे हैं। तुमको लगता ऐसा है कि मैं सब कुछ हूं, ये भ्रम है। बढ़ते दिख रहे हैं ये पुण्य कर्म है, नीचे गिरते दिख रहे हैं पाप कर्म है। हम दोनों तो काल में दोनों से भिन्न है। जो आज समझ में आ रहा है अभी विश्वास रखना, कभी आप लोग बारिश में छतरी लगा के निकले क्या? बोटू भैया, हमने आपको जब लोग कांप रहे थे यूं, आप सीधे खड़े थे। एक गरीब कांप रहा था, आपके शरीर पर कोट था, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी आपको, क्योंकि आपके टोप भी लगा हुआ था। रास्ते में मैंने देखा लोग धूप से झुलस रहे थे, महात्मा जी सारस्वत जी बेटा लोग रोड पर काम कर रहे थे। आपको भी मैंने आंखों से दिखाया, देखो ये काम कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, लोग काम कर रहे थे धूप में क्योंकि पानी पिए हुए थे, कपड़े मोटे पहने हुए थे और ऊपर टोपी लगाए हुए थे, उनको धूप की कोई चिंता नहीं थी। मित्र बाहर रोड पर देखो जरा, एक आदमी तुमको शांति से जाते नहीं दिख रहा है, धूप पड़ रही है, मंडप में तुम कितनी अच्छी तरह से बैठे हो क्योंकि तुमको चिंता ही नहीं है। इतना विशाल मंडप है, जिसके ऊपर छतरी है उसको पानी की बूंद प्रभावित नहीं कर रही है, जिसके ऊपर छतरी है
धूप प्रभावित नहीं कर रही है, ये विशाल श्री मंडप बना हुआ है तुमको धूप प्रभावित नहीं कर रही है। ऐसे ज्ञानियों जिनके पास सील संयम पुण्य का मंडप बना हुआ है, उस जीव के लिए संसार की कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं करती है। जिनके पास पुण्य की छतरियां नहीं है, जिनके पास मेरे मित्र संयम सील के मेरे मित्र कवच नहीं है, उन्हें ही संसार के सारे दुख दुखी करते हैं, सारी विषमताएं उनके पास आती है, और जिनके पास पुण्य प्रचंड होता है उनके पास दुख दुखी होके चला जाता है। दुखी होके चला जाता है। ओहो, लिख लो अपनी डायरी पर, यानी ऐसा जीवन जियो जैसे धूप यहां शर्मा रही है, धूप यहां पर शर्मा रही है। वकील साहब पन्ना के रजनीश भाई आए ब्रजपुर प्रवेश के पहले एक दिन खेत में, वो मालूम क्या हो रहे थे राजेश भैया, प्रोफेसर साहब, बोले गुरुजी मैं इतना भर के आया था, मैं आपको 50 बातें सुनाने वाला था। नहीं, क्यों? बोले ऐसे धूप में आप चल रहे हो, उस साधुओं को चला रहे हो, कितनी तपन चल रही है, मैं इतना बहुत कुछ बोलने वाला था गुरुजी, लेकिन जैसे हमने आपको आते देखा वो मुझे समझ में आ गया, इन निर्गंतों के सामने सूर को तपन को शर्म आ रही है कि तुम तपो, ये तपस्वी तुमसे घबराते नहीं है। और मालूम उनका एक शब्द था, कहूं, ये रजनीश भाई बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, पवन भाई निसंग सागरी पिताजी मित्र, वो भैया वकील साहब बोले गुरुजी मैंने जब पूरे संघ के साथ आपको रोड पर आते देखा तो मुझे लगा कि सूर अब तू शांत हो जा, शेर चला रहा है। ज्ञानी भगवान पूज्यपाद स्वामी ने निर्गंत मुनियों को लिखा, निरसिंह हो, ये मनुष्यों में शेर है जो मेरे मित्र विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। ऐसा जीवन जियो अकृत्रिम लोक में, अकृत्रिम लोक में अकृत्रिम जीवत्व को प्राप्त करके तुम कृत्रिम विषयों में क्यों जीते हो? अकृत्रिम लोक में अकृत्रिम जीवत्व को प्राप्त करके तुम कृत्रिम कसायों में क्यों जीते हो? एक कसाय विषय कसाय कृत्रिम है, पर्याय कृत्रिम है, असमान जाति, लेकिन मित्र आपा का जीवत्व भाव अकृत्रिम है। अपन मन कैसे चलता है? ये जो गाथा है ना, जितनी पढ़ लिखी जो मुराज है, आज दीप प्रदीप आज की तारीख में पूरे समाज को आनंदित होना चाहिए। आज हमारे सारे साधु संत सब पढ़े लिखे बच्चे महाराज बने हैं, इनके अंदर आपको मालूम अभी चैत बैसाख के महीने में गेहूं की फसलें आ गई, और समझदार लोगों ने, भारत है ना ये समझदार देश, रोज का बनाना रोज का खाने वाला देश नहीं है, ये अपने लिए भी रख लेता है और आने वाले अतिथियों के लिए भी रखता है, मेहमानों के लिए भी रखता है। ऐसा कौन जैन समाज का घर होगा जिसने चैत बैसाख के महीने में गेहूं खरीद के न रख ले हों? नहीं रखे ना, रख लिए नहीं, और क्यों? बोले किसने देखा, कोराने के काल में सबको मालूम चल गया था, दुनिया रो रही थी, भारत तब भी मुस्कुरा रहा था, उनको खाने को तरस रहे थे, यहाँ पहले से भंडार भरे हुए थे। अब मित्र विषय ये है, बहुत समझदार थे भोटू भैया, इन्होंने गेहूं के 50 बोरे रख लिए। मित्र रख तो लिए पर इस बात का ध्यान रखना, ऐसी जगह रखना जिसमें कीड़े ना लग पाए। ज्ञानी रख तो लिए दादा ज्ञानचंद जी, रख तो लिए 50 बोरे, लेकिन मित्र कीड़े न लग पाए। अहो आज के मेरे पढ़े लिखे साधुओं, तुम मोतियों के समान हो, मड़ियों के समान हो, गेहूं के धान के समान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पंथ का पक्ष का कीड़ा नहीं लग पाए। तुम्हारी जो प्रज्ञा है इतनी विशाल है, पूरे विश्व को बदलने की क्षमता जैन साधु के पास है।
आज मालूम सुबह सुबह से क्या हुआ है, आज मालूम सुबह सुबह से ब्रजपुर में कुछ हुआ है, और ब्रजपुर वालों को भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। इस मंडप में प्रवचन होने के पहले जहां लोग बंदी होके जाते हैं, जहां लोग बंदी होके जाते हैं, आज उस प्रांगण में मेरे मित्र सुबह से प्रवचन हुए हैं। इतने ही नहीं हुआ है, यहाँ के जो थानेदार साहब हैं, मालूम कैदियों को दंड देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं, विद्यादान का नाम करके वहां पर आज ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ है। कहां पर? थाने में, ब्रजपुर के थाने में आज ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ है। अब मेरे मित्र, जहां निर्गंथों की वाणी पहुंच जाएगी, जरूर लोगों के मन निर्गंत होने का विचार करेंगे। अकृत्रिम लोग, भैया यही तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के हृदय बदले। और आज आवश्यकता, मैंने सुब्रत सागर से भी कई बार बोल चुका हूं, पुनः बोल रहा हूं, अंदर का भाव उड़ रहा है, हमारे श्रुत की रक्षा करो, हमारे श्रुत की रक्षा करो। मुझे विशुद्ध सारी पर्याय से कोई प्रयोजन नहीं है, आप मेरे श्रुत की रक्षा करो, क्योंकि इन मिसालों की आवाज सुन करके मुझे लगता है कि ऐसे ग्रंथों की रक्षा के लिए जिन वाणी की रक्षा होगी तभी जिन शासन की रक्षा होगी। बेटा मैं एक बात पूछूं, मैंने आस्तिक सागर साहब कहा, सुब्रत सागर कल क्यों तुम षटखंडारम लिख सकते हो क्या? इनने हाथ जोड़ लिए, प्रदीप जितने मुनि संघ है मेरी तरफ से आप उनको आशीर्वाद प्रथम बोल देना, और ये कहना कि विश्व सागर जी ने कहा है, आप धवला टीका लिख सकते हो क्या आज की तारीख में? आप षटखंडागम की रचना कर सकते हो क्या? तिलोक पंडित तिलोक साल लिख सकते हो क्या? और नहीं लिख सकते हो तो अपने छंद कवाओं कविताओं के पीछे मात मत जियो, हमारे धवल जय धवल महाबंध जैसे ग्रंथों की रक्षा करो, इससे जिन शासन की रक्षा होगी। और उन ग्रंथों को अंदर जो रेस भरे हुए हैं आस्तिक सागर, अपनी भाषा में लिख लीजिए आप, इन ग्रंथों की रक्षा नहीं किए। मैं आपको एक बात कहूं, यदि हमारी प्रतिमाएं नष्ट होती है, हम पुनः पत्थरों से प्रतिमा गढ़वा लेंगे, धातु से ढलवा लेंगे, लेकिन जिन वाणी नष्ट हो गई, आज पंचम काल में कोई की बुद्धि नहीं आने वाली ऐसी कि पुनः षटखंडागम की रचना कर सके। कोई भी ऐसा योगी नहीं है सारस्वत जी जो षटखंडागम की रचना कर सके, क्योंकि अब तुम्हारे पास श्रुत का आलम्बन मात वर्तमान का द्रव श्रुति ही है। तीर्थंकर इस युग में होंगे नहीं, केवली इस युग में होंगे नहीं, श्रुत केवली होंगे नहीं। इसलिए भाई जितना दान सम्मान तुम जिनालियों के लिए करते हो प्रदीप भाई, उतना ही मित्र जिनवाणी की रक्षा के लिए करो। रहस्य है जितनी उत्कृष्ट धातु हो उन पर जिन्हें ग्रंथों को आप लिखवाइए, और ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दो जहां पर मिसाइलें भी ना पहुंच पाए। अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के, 18,500 वर्ष तक इस भारत की भूमि पर ये दिगंबर का जीना तभी होगा जब जिनवाणी जीवित रहेगी। प्रत्येक मुनि आचार्य भगवंत के मस्तिष्क में ये जिनवाणी के प्रति बहुमान आना चाहिए। एक माँ की रक्षा के लिए एक बालक खड़ा हो जाता है, मेरी माँ भगवती जिनवाणी की रक्षा होगी तो पूरे जिन शासन की रक्षा होगी, और जिन शासन की नहीं सारे विश्व की रक्षा होगी, क्योंकि जी और जी रुद्र का सूत्र जगत में कहीं नहीं लिखा, महावीर के शासन में ही है। हमारे उपदेशों की भाषा बदल जानी चाहिए, मात तत्व तत्व तत्व। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा नहीं लगा आपको? जब मैं छोटा था विवेक, मैं छोटा था तो घर के लोग बच्चों को बच्चे समझते हैं। रात्रि में 12 बज रहे थे, एक कक्ष में मैं लेटा हुआ था पलंग पर, प्रदीप थोड़ी सी आवाज मेरे कान तक आई, मैंने रजाई ऐसे उघाड़ी, क्या हो रहा है यहां? समझ गए आप?
आवाज आ रही थी कुछ खोदने की। दीपावली के एक दिन पहले की घटना, धनत्रयोदशी का दिन था, कमरे के अंदर खुदाई चल रही थी और बहुत बड़ा गड्ढा नहीं हो रहा था, छोटे से स्थान पर गड्ढा हो रहा था। मैंने रजाई को पूरा नहीं उघाड़ा, नहीं तो ये भी लोग फिर कहेंगे सो जा। मैं देखता रहा, हुक आ रहा है, पर कुछ भाई लोग गड्ढा कर रहे थे। गड्ढे के अंदर से थोड़ी देर बाद एक मटका निकला, उस मटके में हाथ डाल रहे थे लोग, उसके अंदर एक डिब्बा निकला और डिब्बा को खोला, उसके अंदर से पीले पीले सामग्री निकलना प्रारंभ हो गया। मैं समझ गया ये लोग बच्चों से इसलिए छिपा के रखते हैं। आप समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया ना मित्र? पुराने लोग अपने घर के गहने आभूषण मटके में और डिब्बे में बांध करके पन्ने जिले में तो कई जगह मालूम हीरा भरे रखे हुए। ज्ञानी तू वो डिब्बे के अंदर से जब उन्होंने गहने निकाले और वो उनको निकाल करके दीपावली के दिन उन्होंने फिर, मैं देखता रहा जो उनको देख दाग करके उन्होंने फिर से पैक किए और फिर अंदर समाप्त करी। मैंने कहा ओ हो। उस दिन से मेरे मस्तिष्क में एक बात जम गई, ये जड़ गहने आभूषणों के लिए जो तन को सजाने वाले हैं, ऐसे आभूषणों को ये जमीन में गड्ढा गाड़ करके सुरक्षित रखी हुए, कोई चोर लुटेरे ना ले जाए। मेरे मित्र हमारी वाणी जिनवाणी हमारे चैतन्य को सजाने वाली है, इसकी कितनी रक्षा होना चाहिए। जिनवाणी की रक्षा होना चाहिए। मैं हजार बार बोलूंगा तो सुब्रसा जैसे लोगों को एक बार तो समझ में आ जाएगी। ये हृदय बोल रहा है, हृदय बोल रहा है, भाई समझो प्रदीप, इनका सहयोग करना है। जो मुर्दाल जिनवाणी की सेवा मूल आगमों की रक्षा में लग जाए। प्रदीप सामने खड़े हो जाना गुरुजी, जिनवाणी के लिए जब हम अपने घर के वस्त्र आभूषणों को सुरक्षित कर सकते हैं तो जिस वाणी के द्वारा शासन चलता है उस संविधान का नाश कैसे हो सकता है। अकृत्रिमो गाता सूत्र कह रहा है, अकृत्रिमो दुपदेशम खंडम। बस आपका समय हो रहा है, गहरी सूत्र को सुन लीजिए। जिस बात को वर्तमान के वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमारे कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख दिए हैं। प्रणव सागर जी, कुंद स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख दिए हैं। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी एक मिसाइल छोड़ी जाती है, उसके बाद फिर वो विघटित होती है, वो विघटित होकर के फिर फैलती जाती वो विशाल रूप धारण करके बहुत सारी एरिया को नष्ट कर देती है। सत्य है, परमाणु की बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन मैंने कहा मैं अवसर पर बात करूँगा। वो गाथा ये है, जैसे एक परमाणु बम्बो विघटित होकर के नवीन नवीन ऊर्जा खड़ी करके और विशाल लोक की व्यवस्था को भंग कर देता है, ऐसे यहाँ पर कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले जितने हमारे मुर्दाज युवा मुनि, बेटा आप से ही सोच सकते हैं, मुझे एक आचार्य महाराज मिले वयोवृद्ध, वो हमसे कहने लगे विशुद्ध सागर जी हमारे ज्ञान का तो उपयोग ही नहीं, हमने क्यों स्वामी जी क्या हो गया। प्रदीप मुनिराज बोले कि मेरे पास जितने शिष्य हैं सब वृद्ध हैं, माला पहन रहे हैं बेचारे, इनको कुछ कर नहीं सकते हैं। वो कहते आपका पुण्योदय है। मैंने कहा बराबर पुण्योदय है, युवा मुनियों का मिलना, वो अध्ययनशील मुनियों का मिलना, ये भी आचार का पुण्य है कि इनको हम अपना ज्ञान दे करके। मेरे मित्र जब आप ज्ञानचंद जी ने प्रदीप को जन्म दिया, प्रदीप ने विपुल को जन्म दिया, विपुल अपनी संतान को जन्म देगा, तुम अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहते हो तो जिन शासन कहता है आचार्य अपने शिष्यों को दीक्षा दें, वे दीक्षा दें जिसे जिन शासन बढ़े, लेकिन मात्र मुनि न बनाए ज्ञानी भी बनाए। अपदेशी दुपदेशी दी दो प्रदेशी खंडम, दो प्रदेशी स्खंद, दुपदेशी सारे सूक्ष्म, और बादर सुहुमा बादरा संसाणम, वादर सूक्ष्म संसांश युक्त, ऐसे परमाणु परमन जब करते हैं
अब देखो जो तुमको पानी दिख रहा है ना, पानी दिख रहा है वो भी परमाणु के अंदर से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी दिख रही है वो भी परमाणु है। वनस्पति दिख रही है वो भी परमाणु है। जल दिख रहा है परमाणु है। अग्नि दिख रही है वो भी परमाणु है। प्रोफेसर देखते जाइए, वस्तुत महाकाव्य ये सब आपको मिलेगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सारे का सारा जो परमाणु चल रहा है, ये अनेक आकार में बदलने वाला कोई वस्तु है, अनेक आकार में बदलने वाली कोई वस्तु है, उसका नाम पुद्गल परमाणु है। अब सुनिए ध्यान से, नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंच, मुनि, श्रावक, गृहस्थ, मित्र, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सिद्ध परमात्मा, केवली भगवान, ये सब कौन बनता है? आत्मा ही बनती ना। एक आत्मा ही अपना प्रमाण करके सिद्धालय तक पहुंच जाती है। ऐसे पर पुद्गल जब स्वभाव को प्राप्त होता है तो परमाणु बदलता है और विभाव को प्राप्त होता है, तो अग्नि, वायु, जल, वनस्पति, पृथ्वी रूप में प्रमाण कर जाता है। ये वस्तु का अपना स्वभाव है, इसका कोई कर्ता हर्ता नहीं है। इसलिए राजू भाई, इस भ्रम को निकाल दो मित्र, भ्रम को निकाल दो। गुरुजी बोले, गुरुजी परमात्मा नाराज हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा। विश्वास रखो, नाश करने वाला परमात्मा नहीं होता है, और परमात्मा होता है वो किसी का नाश नहीं करता है। सच्चा साधु वरदान आशीर्वाद मात आशीर्वाद तक रहता है, वरदान नहीं देता, श्राप नहीं देता, किसी का नाश नहीं करता है। जब साधु नाश की नहीं सोच सकता है तो भगवान नाश की कैसे सोच सकता है? इसलिए ज्ञानियों, सारे के सारे लोग, नाशवान से दृष्टि हटाओ, अविनाशी पर दृष्टि लगाओ, तुम भी भगवान आत्मा हो। बैठ जाओ ज्ञानी, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र परिहरी, तो पुनः कुछ गूढ़ बातें आपसे करना है, और मेरा सोच ये बन चुका है कि आपको समझ में नहीं आया उसकी मुझे चिंता नहीं है। कठिन भी चलता रहेगा राजू, तो कम से कम जब किसी भाव में आप पुनः मनुष्य बने और समोषण में पहुंच गए, तुमको जाति क्षण हो गया, तुम भगवान से पूछ लेना कि पन्ना ब्रजपुर में वे मुनि विशुद्ध सागर आचार्य के रूप में दिव्य देशना कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, तो भगवान तुम्हारा समाधान कर देंगे। ओहो, जाओ ज्ञानियों, अपने जीवन में आनंद में जीवन जियो, सुख में जीवन जियो, लेकिन विषय कसा से दूर होके जियो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।